कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रात्रि में महुआ मंडी में अड़तियों, पहकरों, पल्लेदारों और वाहन चालकों का थर्मल स्कैनिंग कराया गया। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि मंडी में लगातार थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। पहले ही सभी लोगों का थर्मल स्कैनिंग कराया जा चुका है। हर अड़ती का टेम्परेचर नोट किया जा रहा है। अगर किसी का भी टेम्परेचर ज्यादा निकला तो उसका मंडी में रोक लगा दिया गया है और मंडी में जो गाड़ियां बाहर से आती हैं उनके एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनिंग की टीम लगा दी गई है। हमारे पास 3 थर्मल स्कैनर है, साथ ही में उनका डेटाबेस बनाया जाता है। तीसरे दिन फिर थर्मल स्कैनिंग रिपीट किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, मंडी में आने वाले समस्त व्यापारी एवं क्रेतागण कृपया ध्यान दें, सिद्धियाई बैंक के बगल में निरीक्षण भवन पर एक कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे वे अपना टेम्परेचर हम लोग करें चाहिए। सारे लोग ध्यान से समझ जाए, ये हमारा सोशल डिस्टेंस का यही फार्मूला है। सारे लोग इतना दूरी पर रहेंगे, इसका करने का मेन उद्देश्य है कि आप तभी सुरक्षित रहेंगे। बहन जी आप इधर आ जाइए, सुनील आ जाए, इधर आ जाओ। निरीक्षण भवन के बगल में और मोबाइल नंबर भारतीय चिकित्सालय प्रभारी 23 तारीख से लॉकडाउन हुआ। 23 तारीख से आप और हम लोग मिल के निःशुल्क पानी, भोजन और फिर दूसरे हम लोगों ने फैसिलिटी बनवाया है, मास्क नहीं, हम लोग काम तो नहीं देखेंगे सर, मनोबल नहीं भाई। मंडी में थर्मल स्कैनिंग के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो करीब 3 दिन पहले हमने थर्मल स्कैनिंग पूरे आरतियों की कंप्लीट करा दी थी। हर एक आरती के यहाँ थर्मल स्कैनिंग हो गई, उनका डेटाबेस बन गया, उनका टेम्परेचर नोट हो गया है। उसमें कोई भी आरती का टेम्परेचर अगर ज़्यादा पाया गया या उसको कोई लक्षण पाया गया तो उसको तत्काल व्यापार करने से भी रोक दिया गया, उसको क्वारंटाइन के लिए बोल दिया गया था। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि जो भी गाड़ियाँ बाहर से आती हैं उसके जो ड्राइवर होते हैं, जो क्लीनर होते हैं, उनकी जाँच बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए हमने जो मंडी का एंट्री गेट होता है वहीं पर हमने टीम लगा दी है। तो हमारे पास 3 थर्मल स्कैनर्स हैं जिससे उनकी स्कैनिंग की जाती है, साथ में उनका डेटाबेस बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने जो स्कैनिंग कराई है वो 3 दिन पहले कराई थी, वो आज 3 दिन बाद फिर से रिपीट करा रहे हैं। तो हम ये 3-3 दिन पर थर्मल स्कैनिंग काम कराते रहेंगे ताकि किसी भी आदमी को कोई लक्षण अगर डेवलप होते हैं या ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो तत्काल उसको अलग से चिन्हित करके उसको अलग किया जा सके। तो ये थर्मल स्कैनिंग काम हम करा रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे NGOs हैं, यहाँ के लोकल आरतीज हैं, उनका जो समूह है वो भी जो भी ड्राइवर क्लीनर्स आते हैं बाहर से उनको मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खाने के लिए यहाँ वितरण कर रहे हैं। सेवा भारती ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है। तो कई NGOs भी यहाँ मंडी में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि मंडी में जो भी लोग आए उनकी सबकी थर्मल स्कैनिंग हो, सब टेस्ट करने के बाद ही उनको मंडी में एंट्रेंस मतलब एंट्री उनको मिलती है। इसके अलावा भीड़ के लिए हम भीड़ पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए अलग अलग तरीके से कैमरे, लाउड स्पीकर्स और ड्रोन कैमरे के माध्यम से उस पर नियंत्रण रख रहे हैं।